नमस्कार। आज हम लोग भूषण की कविता पर बात करेंगे। वैसे तो रीतिकाल में एक से एक घोर श्रृंगारी कवि हुए। रीतिकाल श्रृंगार के लिए ही जाना जाता है, लेकिन भूषण इसके अपवाद है। रीतिकालीन श्रृंगार के माहौल में भी भूषण ने अपनी वीर रस की कविताओं से अलग पहचान बनाई। वीर रस के इस अद्भुत कवि भूषण का कोई आधिकारिक जीवन विवरण नहीं मिलता है। उनके जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के बारे में भी कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका जन्म संवत 1617 तदनुसार 1613 ईस्वी मानते हैं। जाहिर है रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कवियों, रचनाकारों और लेखकों का जीवन परिचय मिश्रबंध विनोद से लिया है। शिवराज भूषण नाम की एक पुस्तक में खुद भूषण ने अपने बारे में जो कुछ थोड़ा सा बतलाया है, उसके अनुसार उनका जन्म कानपुर जिले के तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। कहा जाता है कि उनका वास्तविक नाम भी ठीक से पता नहीं चलता। शिवराज भूषण ग्रंथ के इस दोहे को देखिए, इसके अनुसार भूषण उनकी उपाधि थी जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने दी थी। कुल सुलंकी चित्रकूट पति साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। अर्थात सोलंकी कुल के चित्रकूट के राजा साहस और सौहार्द के प्रतिमूर्ति समुद्र ने कवि भूषण को पदवी दी। ऐसा माना जाता है कि रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र कवि मतिराम चिंतामणि के भाई थे। हम जानते हैं कि रीतिकाल में चिंतामणि त्रिपाठी भी बड़े कवि हुए हैं। कहा जाता है कि एक दिन भाभी ने ताना दिया, ताना मारा और उन्होंने घर छोड़ दिया और कई आश्रय में भटकते हुए अंततः वे शिवाजी, राजा शिवाजी के आश्रय में चले गए। भूषण छत्रसाल और शिवाजी के आश्रय में रहे और उन्होंने अपनी रचनाओं में इन्हीं दोनों महानायकों की वीरता और प्रशस्ति का गुणगान किया है। शिवराज भूषण, शिवा वावनी और छत्रसाल दशक नामक उनके तीन ग्रंथ उपलब्ध हैं, जबकि कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 6 ग्रंथों की रचना की थी। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी कविताओं से प्रसन्न होकर के एक बार इनकी पालकी को कंधा दिया था, अर्थात इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, जिस पर भाव विभोर होकर के भूषण ने कहा था, सेवा को सराहों कि सराहों छत्रसाल को, अर्थात शिवराज की बड़ाई करो या छत्रसाल की। इससे यह भी पता चलता है कि शिवराज हो या छत्रसाल हो, दोनों वीर पुरुष होने के साथ साथ एक सरल और सहज हृदय के भी धनी थे। तो आइए सबसे पहले हम भूषण की इस प्रसिद्ध कविता का पाठ करते हैं।
और फिर उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी भाषा ब्रजभाषा है, जिसके लिए कहा जाता है कि ब्रजभाषा तो श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध है, राधा और कृष्ण के लीला गान के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन उस ब्रजभाषा में कवि भूषण ने अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर यह साबित कर दिया कि ब्रजभाषा में वीर रस की कविताएं भी हो ही नहीं सकती हैं, बल्कि बहुत अच्छी कविता हो सकती है। ये अलग बात है कि वे अपनी ब्रजभाषा की रचनाओं में उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का बहुतायत प्रयोग करते हैं। तो पहली कविता है, इंद्र जिमि जंभ पर बारव सुअंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पौन वरी वाह पर शंभु रति नाह पर ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, दाबा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण बेतुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। इस कविता के पाठ में ही वीर रस की, इस कविता का जब हम पाठ करते हैं तो एक वीरता की ध्वनि उत्पन्न होती है। कवि कहना चाहते हैं कि जो शिवराज हैं वो बहुत बलशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं, और उनके भय से, उनके डर से जो दुश्मनों की सेना और खुद दुश्मन हैं वो हमेशा डरे रहते हैं, अर्थात वे शिवाजी का सामना नहीं कर सकते हैं। कैसे? तो इंद्रजिमी जंभ पर, जिमी का अर्थ होता है जैसे, जंभ यहां जंभासुर राक्षस के लिए प्रयोग हुआ है। तो इंद्र जैसे जंभासुर राक्षस पर, अर्थात इंद्र जिस प्रकार से जंभासुर राक्षस को अपने वश में रखते हैं, उसको परास्त करते हैं, उसको पराजित करते हैं, जैसे समुद्र पर बड़वानल, अर्थात बड़वानल कहते हैं पानी में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं, दावानल जंगल की आग होती है और जठरानल पेट की आग होती है। तो यहां बड़वानल की बात है, पानी के आग, पानी में लगने वाली आग की बात है। तो जैसे जो बड़वानल है, पानी में लगने वाली आग है, वो समुद्र को भी स्वाहा कर देती है, जैसे रावण सदंभ पर, जैसे रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, जैसे रावण जैसे दंभी पुरुष के ऊपर कौन है, तो रघुकुल राज अर्थात राम। कहने का तात्पर्य कि राम के सामने जैसे दंभी रावण अर्थात घमंडी रावण भी टिक नहीं पाया, जैसे पौन बारी वाह पर और शंभु रति नाह पर, जैसे बादलों पर पवन, बादल कितना भी घना क्यों ना हो लेकिन हवा उसको उड़ा के ले जाती है, जैसे शंभु रति नाह पर, जैसे रति के प्रतिपति स्वामी अर्थात कामदेव पर शंभु अर्थात शिव। यहाँ कवि जो बताना चाहते हैं, आप उस मिथक से, उस कहानी से परिचित हैं कि रति के पति जो कामदेव थे और उन्होंने शिव पर अपना वाण चलाया था, और जब शिव ने अपनी तीसरी आंखें खोली तो वह जलकर भस्म हो गया था। तो जैसे कामदेव पर
शिव और जैसे ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, जैसे सहस्र बाहु राक्षस पर द्विजराज अर्थात ब्राह्मणों के राजा राम अर्थात परशुराम, परशुराम को द्विजराज कहा जाता है। तो जैसे सहस्र बाहु पर राम द्विजराज राम अर्थात परशुराम है, अर्थात जैसे परशुराम ने सहस्र बाहु का अंत किया, दावा जैसे दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, जैसे जंगल की आग पेड़ों के तनों को स्वाहा कर डालती है, दावा द्रुम दंड पर जैसे जंगल को आग स्वाहा कर देती है, जैसे चीता हिरणों के झुंड पर टूट पड़ता है, चीता मृग झुंड पर जैसे भूषण कह रहे हैं, भूषण बेतुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे हिरणों के झुंड पर चीता टूटता है, जैसे हाथी जैसे बलशाली पर भी शेर टूट पड़ता है, उसका शिकार करता है, उसे परास्त कर देता है, तेजतम अंश पर कानजिमी कंस पर, तेजतम अंश पर कानजिमी कंस पर अर्थात जैसे तेज मतलब हुआ प्रकाश, अंश का अर्थ हुआ अंधेरा, तेजतम अंश पर, तम मतलब अंधेरा, अंश मतलब उसके अंश पर अर्थात अंधेरे के ऊपर जैसे प्रकाश, और जैसे कंस पर कृष्ण भारी हैं, अर्थात इन तमाम महानायकों और अन्य चीजों के सामने उसका जो प्रतिद्वंदी है वो टिक नहीं पाता, वैसे ही जो शिवाजी शेर के समान शिवाजी हैं वो मल्लेच्छ वंश पर हैं, हावी हैं अर्थात उन पर भारी हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। यहां पर कवि ने मल्लेच्छ वंश शब्द का प्रयोग किया है। देखिए जब भारत में बाहर से लोग आने लगे, आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए, तो जो बाहर से आक्रांता आते थे उनको मल्लेच्छ कहा जाता था। कई बार इस शब्द को एक दूसरे अर्थ में भी, मुसलमान के अर्थ में भी लोग लेते हैं, जो कि गलत है। दरअसल हिंदू और मुसलमानों के बीच जो सांस्कृतिक एकता कायम करने में सूफी संतों की एक बड़ी भूमिका थी, हम जानते हैं। हुमायूं और कर्णावती की कहानी हम जानते हैं कि कैसे हुमायूं ने कर्णावती के राखी की लाज रखी थी। हमें यह भी पता है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाकर सभी धर्मों के बीच समन्वय लाने का प्रयास किया। लेकिन यह भी सच है कि औरंगजेब जैसे राजा भी हुए मुगल सल्तनत में, जो अपनी क्रूरता से न सिर्फ लोगों को सताया बल्कि सांस्कृतिक एकता में एक भीषण दरार भी पैदा की। और हम जानते हैं कि शिवाजी अंत अंत तक लड़ते रहे औरंगजेब से। लेकिन यह भी स्पष्ट हमें समझ लेना चाहिए कि शिवाजी और औरंगजेब की जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो युद्ध एक धार्मिक लड़ाई ना होकर के एक सत्ता की लड़ाई है। जैसा कि रामदास मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक और आलोचक, रामदास मिश्र का मानना है कि भूषण के नायक शिवाजी हैं और खलनायक औरंगजेब। औरंगजेब के प्रति उनका जातीय वैमनस्य न होकर शासक के रूप में उसकी अनीतियों का विरोध है। तो
जो औरंगजेब की जो नीति थी और जिसके कारण लोग प्रताड़ित हो रहे थे, शिवाजी उसी प्रताड़ित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। प्रस्तुत कविता में वीर रस से ओतप्रोत इस कविता में हम जानते हैं कि ब्रजभाषा तो है ही, लेकिन उर्दू और फारसी के कुछ शब्दों के प्रयोग के साथ जिस तरह की एक ध्वनि निर्मित की गई है, वह हिंदी साहित्य में इस कविता को अमर बना देती है। भूषण की जो दूसरी कविता है हमारे पाठ्य पुस्तक में, आप जानते हैं कि ये बीकॉम प्रोग्राम पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए ये कविता है। दो कविताएं हैं, पहली कविता हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब दूसरी कविता का पाठ और उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता भी वीर रस से ओतप्रोत है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि भूषण वीर रस के कवि हैं और उनकी हर कविता पढ़ते हुए सोए हुए वीर की भुजाएं भी फड़कने लगे, ऐसी ताकत है उनकी कविता की। तो ये कविता है साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी। इसे भी कई लोगों ने गीतों में, कविताओं में अलग अलग ढंग से प्रयोग किया है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गवरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पार पारा वार यो हलत है। इस कविता में एक बिंब बनाने की कोशिश की गई है। बिंब उसे कहते हैं कि शब्दों के माध्यम से कवि जब ऐसा कुछ वर्णन करता है कि आपके सामने वह पूरा का पूरा चित्र आपकी आंखों में उभर कर आ जाए। ये जो बिंब है, ये जो चित्र है, शब्द चित्र है, जब वीर शिवाजी लड़ाई के लिए अपने घर से लड़ाई के लिए जब निकलते हैं, अपनी सेनाओं को सजा करके जब युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं, तो उस समय का जो दृश्य होता है, उस समय उनकी सेनाओं का जो आत्मविश्वास होता है, सेना की तो बात छोड़िए, घोड़े हाथी पूरी प्रकृति जैसे उमंग में आ जाती है, उसी का एक चित्र कवि ने यहां पर खींचने की कोशिश की है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारण के, नदी नद मद गवरन के रलत है। अर्थात साजी चतुरंग सैन, सैन मतलब सबसे पहले साजी, साजी मतलब सजाकर, चतुरंग सैन अर्थात चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी सेना में अर्थात उसमें घुड़सवार भी है, पैदल भी है, हाथी साजे सैनिक भी हैं, अर्थात चतुरंगी चारों तरह की सेना को सजा करके जब अंग में उमंग भरी और खुद शिवाजी और उनकी सेनाएं जब अपने भीतर उमंग भर करके जंग जीतने के लिए निकलती है,
जंग लड़ अर्थात लड़ाई जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए जब निकलते हैं शिवाजी अपनी सेना साज करके, तो भूषण कहते हैं कि नगाड़े बजते हैं और मतवाले हाथियों के घमंड से सभी नदी नाले भर जाते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारण के, भूषण कहते हैं कि जब नगाड़े की आवाज गूंजने लगती है और नदी नद मद, नदी और नद, नद मतलब नाले, नदी और नाले गैबरन के मद से रलत हैं, अर्थात मत वाले हाथियों के घमंड से ऐसा लगता है कि जैसे भर गए हैं। हम जानते हैं कि घमंड जो है, घमंड जो है वो एक भाव है। घमंड से किसी वस्तु को हम भर नहीं सकते हैं। घमंड से तो आदमी का मन भरा रहता है, वो मन उसका भारी करके रखता है। लेकिन कभी चूंकि उस सेना, उस चतुरंगी सेना के उमंग को, उमंगों को दर्शाना चाहता है, इसीलिए कहता है कि जब हाथी में इतने मद भरे हुए हैं कि उसके मद से नदी और नाले भर गए हैं, तो जो मनुष्य हैं जो उनकी सेना में शामिल है वो कितने, उनका आत्मविश्वास कितना भरा हुआ होगा, लबालब होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। अब देखिए, हाथियों के चलने के कारण धक्का लगने से, क्योंकि हाथी तो मदमस्त हो गया है और वो बस आगे बढ़ता जा रहा है, तो जिस तरह से हाथी मदमस्त होकर के आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एल फैल खैल भैल, एल मतलब होता है भीड़, तो जैसे ही भीड़ में हाथी आगे बढ़ती है तो क्या हुआ, चारों तरफ चीख पुकार, खैल भैल खलक में गैल गैल, तो चीख पुकार फैल फैलने लगी, चीख पुकार फैलने लगी और गैल रास्तों पर, खैल भैल अर्थात खलबली, खैल भैल का अर्थ हुआ कि खलबली, कहने का तात्पर्य कि हाथी के चलते ही क्या हुआ, तो चारों तरफ भीड़ के बीच में कोलाहल चीख पुकार फैलने लगी और रास्ते में जिधर देखिए उधर खलबली मच गई। गजन की ठैल पैल सैल उसलत है, हाथियों के चलने के कारण क्या हुआ, गजन की ठैल से क्या हुआ कि पहल सैल उसलत है, सैल मतलब पहाड़, तो रास्ते में जो पहाड़ रास्ता रोकने को, जो पहाड़ जो खड़ा हुआ था, वो पहाड़ भी उखड़ कर गिर पड़ते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, ऐसी जो सेना है जब वो सेना आगे बढ़ रही है दुश्मन से लोहा लेने के लिए, जिसमें लाखों सैनिक हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, तो इस विशाल सेना जब चलेगी तो धूल भी तो उड़ेगी, तो तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, विशाल सेना के चलने से जो उड़ने वाली धूल है वो धूल कहां तक पहुंच चुकी है, सूरज को भी जैसे निगल जाना चाहती है, अर्थात उस धूल में सूरज भी छुप गया है, अर्थात सूरज की रोशनी भी मध्यम हो गई है और वह तारा जैसा टिमटिमाने लगा है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धूरी मतलब धूल, धरा मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी से लेकर आसमान तक जो धूल फैल गई है वो क्या है, तो उससे सूरज भी, तरनी भी तारा के समान टिमटिमाने लगा है।
थारा पर वार, थारा पर पारा पारा वार यो हालत है। तो सेना के चलने से संसार, किसकी सेना? शिवराज की सेना। शिवराज की सेना के चलने से पूरा संसार थारा पर वार, थारा पर पारा पारा वार यो हालत है। संसार ऐसे डोल रहा है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। थारा मतलब थाल, पारा हम जानते हैं। तो जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, वैसे ही जो चतुरंगी सेना साज करके वीर शिवाजी दुश्मन को परास्त करने के लिए युद्ध के मैदान में निकल पड़े हैं, पूरी धरती ऐसे हिल रही है जैसे थाली में पारा हिल रहे हों। तो हमने देखा कि एक पूरा का पूरा इस यहां पर बिंब बन रहा है, और वीर शिवाजी के चतुरंगी सेना की जो लड़ाई के लिए युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रही है। भूषण की कविता में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग जहां तहां हुआ है। जाहिर है कि जब किसी की वीरता का वर्णन होगा तो वहां पर अतिशयोक्ति पूर्ण सहारा तो कवि को देना ही पड़ेगा। यहां पर कवि ने मनहर छंद का प्रयोग किया है, और जो शब्दों का, खास करके जो शब्दों का प्रयोग किया है, तारा तरणी धूर धूरी धारा थारा पारा पारावार एल फैल खैल नदी, तो आप देखिए कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि जैसे पूरे ध्वनि उत्पन्न होती है, और जैसे सच में कोई सेना आपके पास से लड़ाई के लिए आगे बढ़ रही हो। कहा जाता है कि जब हाथी जवान होने लगता है तो उसके कानों से मद नामक एक नशीला पदार्थ निकलता है, जिसके बारे में कवि ने कहा कि उसके मद से जो है नदी और नाले भर गए हैं। तो शिवाजी की सेना में इतने हाथी हैं कि उनसे निकलने वाले मद से नदी नाले भर गए। और उपमा अलंकार तो का तो यहां पर बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है कवि ने प्रस्तुत किया है कि सेना के चलने से जो उड़ने वाली धूल है, उसमें से जो आसमान से लेकर धरती तक अंधेरा छा गया है, और उसके बीच से जो सूरज टिमटिमा रहा है, जिसके लिए कवि ने कहा है कि बस वो सूरज भी तारा बन गया है। भूषण की भाषा शैली पर हम बात थोड़ी सी कर चुके हैं। देखिए, भूषण दिल के बहुत, भूषण संकुचित दिल के कवि नहीं थे। उनका कैनवास बड़ा है। वो वीरता, वो शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में जाकर के कविता करते हैं, उनको अपना आश्रय दाता बनाते हैं। वो चाहते तो उस समय जो दूसरे बड़े बड़े सल्तनत के राजा थे वहां भी जा सकते थे। तो जो संघर्ष में है उसके साथ वो जाते हैं, और अपनी कविता में वो जिस तरह से शब्दों का खुलकर प्रयोग करते हैं, जंग आफताब फौज, इससे भी पता चलता है कि वो संकुचित मानसिकता के कवि नहीं थे। शब्दों के चयन उनके वीर रस के अनुकूल होते थे, मुहावरों और लोकोक्तियों का ऐसा सटीक प्रयोग करते थे कि पूरा का पूरा बिंब सामने आ जाए। हां, आजकल के पाठक छात्र छात्राएं कह सकते हैं कि थोड़ी सी भाषा तो कठिन है, क्योंकि प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, तो इसके कारण थोड़ी उनकी भाषा
कठिन लगती है जरूर, लेकिन जब उस भाषा में आप प्रवेश करते हैं, उन शब्दों के अर्थों से आपकी दोस्ती हो जाती है, तो फिर वो कविता आपके लिए बहुत सहज हो जाती है। भूषण से संबंधित इंटरनेट पर भी बहुत सारी सामग्री है, यूट्यूब पर बहुत सारी सामग्री है, कविता कोश.org। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, विश्वंभर मानव की प्राचीन कवि, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बहुत सारी किताबें हैं। आप अगर चाहें तो इन संदर्भों में जाए, कविता पढ़े, ऑनलाइन देखें और भूषण की कविता को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।